देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। सोनिया की नसीहत बेअसर हो गई है। कांग्रेस चीफ ने कल कहा है कि मीडिया के जरिए बात ना करें। सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया को 13 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखने के बहाने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला लिया है, इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का सीएम बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है और ऐसे में सिद्धू का यह बयान कांग्रेस के लिए ही झटका साबित हो सकता है। इस चिट्ठी के बाद इस्तीफा वापस लेने वाले सिद्धू के सरकार के खिलाफ बागी तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं। सीधे टकराव के बाद अब सिद्धू ने पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखकर 13 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें से सोनिया से अपील की गई है कि वह पंजाब सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि इन मुद्दों को हल किया जाए। सिद्धू पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद सरकार पर दबाव बनाकर सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से अब उन्होंने हाईकमान के जरिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अभी तक सिद्धू अपनी ही सरकार से सीधे टक्कर ले रहे थे, लेकिन हाईकमान की नाराजगी के बाद सिद्धू ने अपना रुख बदल लिया है। सिद्धू ने इशारों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह स्पष्ट किया है कि अगर उनके उठाए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके अलावा सिद्धू ने पिछले विधानसभा चुनाव को अपने प्रचार की बदौलत कई सीटों पर जीत का भी दावा किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।